कोरोना विरोधातल्या लढाईत जराही निष्काळजीपणा नको असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत केलं. इतर देशांच्या तुलनेत भारतातली कोरोनाची स्थिती थोडीशी सावरलेली आहे असं पंतप्रधान म्हणाले. प्रत्येक भारतीयापर्यंत लस पोहोचवण्याचं केंद्र सरकारचं उद्दिष्ट आहे. लस वितरणाबाबत भारताला मोठा अनुभव आहे. आताही राज्यांबरोबर चर्चा करून लसीकरणाची व्यवस्था उभारली जाईल. त्यासाठी राज्यांनी आतापासूनच पुरेशा शीतगृहांच्या उभारणीकडे लक्ष द्यावं असं पंतप्रधान म्हणाले. रिकव्हरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनोंही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है. हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है. इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है. पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है. कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए. इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है. पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं. वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं. सध्या 2 लसींची चाचणी शेवटच्या टप्प्यात आहे. मात्र ती प्रत्यक्ष कधी देता येईल, किती डोस द्यावे लागतील, लसीची किंमत किती असेल हे ठरवण्यासाठी थोडा काळ जाऊ द्यावा लागेल असं पंतप्रधानांनी सांगितलं. सगळ्यांनी मिळून एकजुटीनं कोरोनाविरोधातला लढा दिला पाहिजे असं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं. देशात रुग्ण बरे होण्याचा दर जास्त आहे आणि मृत्यूदर कमी आहे ही बाब समाधानकारक आहे. मात्र त्यामुळे विषाणूचा धोका कमी झाला असावा अशी धारणा झालेली आहे, मात्र ती चुकीची आहे. गावागावात जनजागृती मोहीम सुरूच ठेवली पाहिजे असं ते म्हणाले. चाचण्यांची संख्या वाढवण्यावर भर द्यायला हवा असंही त्यांनी सांगितलं. कमजोर हो गया है. बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे. इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है. और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है. हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं. और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई. इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा.